जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद आज जुमा है तो यहाँ पर रश बहुत आएगा। और हम लोगों की गर्मी में सबके फेस हो गए काले, गोरे से हो गए सब काले ताकि पसीना निकल रहा है। तो हम लोग ये सब लेंगे। नंबर के लिए नहीं, ये सब फारिया के लिए लेके क्या करेंगे? अपने कानपुर में जो चीज़ें मिली यहाँ क्या करोगे? ऐसी चीज लो तो ठीक भी, ऐसे क्या करना लेते? बहुत ही खूबसूरत ताजमहल लग रहा है। इस टाइम देखिए आसमान है, ब्लू आसमान के सामने कितना साफ लग रहा, नहीं बहुत खूबसूरत लग रहा। बज्जू आ रही यहाँ जामा मस्जिद आए हैं बैठना चल के आराम। इतनी तेज धूप है कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। ये जहाँ मस्जिद है यहाँ से सब कुछ मिलेगा। ये तो अपना बेकन गंज है, हम ही लोग सबसे आगे यहाँ। गाइस तो हम लोग आ गए बिल्कुल फ्रेंड के जामा मस्जिद में, तो पास यहाँ से दिख रही जामा मस्जिद। तो ये जीने जो है हम लोग को चढ़ के फिर हमने उसको जाना है। चलो आ जाओ। बहुत तेज धूप है और हम लोग बहुत हालत से बेहालत हो गए हैं। और फ्रेंडली यहाँ से दिख रहा जामा मस्जिद। हम लोग सोच रहे जीना चढ़ के फ्रेंड मिलेगा, इसके बाद फिर जीना चढ़ना, यहाँ फिर मार्केट है। ओ यहाँ ऐसा है अपी, हम सोच रहे थे यही सिर्फ जीना चढ़ के जामा मस्जिद में अंदर में, पर फिर यहाँ मार्केट फिर वहाँ ऊपर जाना पड़ेगा वो जीना चढ़ के। बहुत ज़्यादा भाई और नंबर भी नहीं जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा यहीं से देख लो बस। तो गाइस तो हम ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाएंगे ताकि नंबर बहुत थक गई और हम भी थक गए हैं सभी लोग। तो हम लोग यहाँ से जाके ऊपर नहीं आएंगे, हम लोग घर निकल लेंगे वापसी। ये है हमारा जहाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत थक गए, नहीं जाएंगे ऊपर, बस यहीं से देख लो और चल लें। इतने जीने कौन चढ़े, सारी नदी भी खत्म हो गई और इतने जीने गर्मी बहुत है, गर्म बहुत है, गर्म से पस्त पड़ रहे हैं। सच में दिल्ली में बहुत गर्मी है, बहुत गर्म होती है, बल्कि यहाँ पे हवा चल रही है फिर भी नहीं लग रहा ताकि जामा मस्जिद में आए हुए। और ये देखिए इतनी रश है मस्जिद में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा रश है। हमें नंबर बराबर है क्या? मुझे तो इनसे भी बात होते रहता है। हम आगे अंदर और ये मस्जिद में एंटर हो गए जी है जामा मस्जिद। बहुत ज़्यादा धूप है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप है फ्रेंड्स। और ये देखिए
ज़्यादा धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है और गर्म है। ये है जामा मस्जिद। हम लोग बाहर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और रश भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये देखिए जामा मस्जिद पड़ा है। हाँ ये लोग जूती लेती हुई हैं और इतनी गर्मी हो रही है शॉपिंग तुम डालो पहले ए सी में चलो और गाइस तो हम लोग यहाँ ले रहे हैं शॉपिंग कर रही हूँ। अंकल कितने की ले रहे हैं? 150 रुपये 150 ले लो डालो तो यहाँ पर हो रही है शॉपिंग और जितनी गर्मी पड़ रही है आज जहाँ जहाँ जा रही है लोग घूमने वहाँ मार्केट मिल जा रही है तो ये लोग टाइम लगा रहे हैं। कहाँ गई ये लोग? अपी कहाँ रुक गई थी? कहाँ रुक गई? करी भी दे रहे साथ में। यहाँ के खीरे अच्छे लगे थे खाने में। खीरे की फोटो देखी? वो दिखाया नहीं ब्लॉग ब्लॉग में नहीं दिखाया हमने पूरे ले लिया फिर उसके बाद खाया। पहले तो हम सोच रहे थे 10 के 4 दे रहे हैं तो हमने दिल में सोचा 10 के 4 खीरे तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। जब उन्हीं ने परतों पर दिया तुमने कहा आठ ले आए हैं 10 के 4 लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। आगे भी तोड़ लें दांत से तोड़ लें। गर्म बहुत है गर्म के चक्कर में आदमी खुल के नहीं रह पाया खुल के नहीं रह पाया इतनी गर्म पड़ रही है। ये हुआ क्या चीज दिख गई अपनी अरे क्या करेंगे तो चलते हैं भैया भैया टाइम हम ना थोड़ा गर्मी लग रही है। जामा मस्जिद से निकल आए हैं और बहुत चीज़ें अच्छी थी और सस्ती भी ऐसी बात है अच्छी भी थी और सस्ती भी थी बहुत चीज़ें। मैडम हाथ मेरा खोज को अंदर रख लो अरे बाप रे इनको आटा दे एक दिन में एक जगह भैया बचाए रहो कि ले जा रिहर्सल अभी सूट का गला इतना कहने का और टेंशन ना बड़ी बाजार है। अब ये कौन जा रहा है बोलने की एनर्जी नहीं रह चुकी है बिल्कुल भी लेकिन हम लोग अभी चांदनी चौक की गलियों में फिर रहे हैं। ये नई सड़क लग रहा है क्योंकि परेड है नई सड़क आई और नम्रा का चश्मा नहीं उतरता बिल्कुल भी राजी को एकदम रेडियो नई सड़क कार भी तो हमारी कार नहीं आ पाई कार हमारी स्क्रैच हो गया नई सड़क पर हेड दे रहे आ गया था ना भीड़ ज़्यादा हो गई बहुत भीड़ है भैया हम तो कह रहे हो चलो घर इतने पगला जाएंगे। ये देखो यहाँ जो चीज़ फेमस होगी उसके लिए बहुत दगदग मस्ती है तभी तो उसकी दुकान हटाई दी जाती तभी हटाई जाती है यहाँ पे दुकानें। यहाँ लहंगे बहुत बिकते हैं नई सड़क यहाँ जो है लहंगों की मार्केट बहुत है ना बड़ा प्रॉब्लम की इसलिए हटाई तभी तो सब। और हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा मोबाइल पे काम था बस हो जाता वो मार्केट अभी मिल नहीं मिली भी नहीं अभी तो नई सड़क है चांदनी चौक तो अभी आया भी नहीं नहीं नई सड़क चल रहा है वो चांदनी चौक में ये नई सड़क ही चल रहा अभी इतना
और यहाँ कहाँ मिलेगा? यही इतनी रश चल रहा, कैसे कहाँ जाए कैसे उतर है, यहाँ खुद ही थक चुकी है, इतनी गर्म हो रही है, बहुत भीड़ है। वेटर फेमस है उसके यहाँ, बिल्कुल बहुत भीड़ है, पागल हो जाए यहाँ। यहाँ जो चीज फेमस है तो फेमस है, फूड चाय चाय जैसा बेच रहा हूँ। हाँ यहाँ जो फेमस है तो चल गया, चल गया बचो नहीं चले। भुट्टा ले रहे, अभी भुट्टा इतनी गर्म गर्म में कैसे खाओगे भुट्टा? भुट्टा उट्टा मत ठीक है। हाँ एक चीज़ बहुत है, अगर भैया यहाँ मत उतरना, हमारी बस की बात नहीं। अब रिक्शे वाले शहर आगे जो आए तो चांदनी चौक पर आने, तो नई सड़क चल रहा है, अभी ये सारा नई सड़क ही चल रहा है। यहाँ उसका बहुत है काम, लहंगा लहंगा बहुत काम, कानपुर जाते हैं लेने। हाँ सच में लोग, हमने सुना है ना कि दिल्ली से कानपुर शॉपिंग करते हैं, यहाँ पूरी एक से एक वीआईपी है। पता नहीं लोग कैसे दिल्ली से जो है कानपुर में शॉपिंग करते हैं। क्या हुआ तब की यहाँ इतना अच्छा मार्केट है, बेकनगंज में आदमी करता जाके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, नवीन मार्केट भी नहीं, नवीन मार्केट भी नहीं। हम तो हम कभी भी कानपुर ना जाएं शॉपिंग करने, जब हमारे ही शहर में इतनी अच्छी चीजें हैं महंगी, अब दादर शहर में है भी नहीं, तो वहाँ जाके क्या काम नहीं। अच्छी मार्केट है वो, तो एक थर्ड क्वालिटी की चीजें मिल रही वहाँ, यहाँ के हिसाब से देख के। यहाँ पर तो बहुत वी आई पी है फिलहाल, वहाँ एक सूट बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन रश इतना है कैसे उतर है कैसे जाए। बात तो वही है, इतना पड़ रहा है हमें लगता है यहाँ, इसीलिए लोग अब चाहे गिर गई हो चाहे जो भी हुआ हो। पक्का पता गाड़ी में पर्स है, हम गाड़ी बैक कराने के उतरे थे वो आई भैया, उसमें बहुत पैसे हैं वो पर्स पे, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। हम गाड़ी में पहले उतरे थे ना, गर्मी में पकड़ी जा रही है भैया, पर्स मिल जाए ना तो देखो। लोग आ गए चांदनी चौक, ताकि बहुत रास्ता नई सड़क में, तो नई सड़क से आते आते चांदनी चौक से हम लोग आ गए, पर अंदर बहुत रश है तो हम लोग बाहर ही खड़े हैं, तो अंदर थोड़ा सा सामान भी लेना था, कुछ दिखाना था यहाँ पर मोबाइल वगैरह, तो अभी तो अंदर जाने की सोच भी सोचते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हवा ले लें फिर अंदर जाएँ, ताकि अंदर बहुत रश आएगा। कहाँ मम्मा कहाँ? और अब भी जो है कार में या पर्स भूल आई है या तो फिर गिर गया वो पता चलेगा बाद में, अल्लाह पहली बार कार ही में हो पर्स। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, खाने के लिए यहाँ पर बहुत टाइमिंग करना पड़ी, और अब भी कि फंदा लग गया बस पानी सब खाइए, और मैंने पनीर किस चीज़ का पराठा, पनीर पनीर और बहुत ही गर्म थी चांदनी चौक में है, चांदनी चौक की मार्केट खड़ी करी, चांदनी चौक थी किसी ने बहुत परेशान किया, और डिनर चल रहा है गाइस, तो सब लोग ने खाना निकाले, तो हमने कहा हम ब्लॉग शूट कर लेते हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने हम भी, उसके बाद आपसे। ये हम लोग खाना खा रहे हैं फिलहाल, और ये अर्शी खाना खा रही है, वो अप्पी खा रही है, अप्पी कड़ी आ गई, अम्मा खाना खा रही है, तन्नू है, खाना इतना टेस्टी, इतना उतना अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छा खाना।
बहुत अच्छा था। खाने की जितनी तारीफ करो उतनी कम, टेस्ट हर एक चीज़ की कड़ी अच्छा था, कड़ी का भी टेस्ट अच्छा था। चलो गाइस तो फिर हम जा रहे हैं बाहर, तो कहाँ चलेंगे? मैप में कैसे क्या बता रहे हैं? मैप में अभी ये बता रहे हैं कि मतलब आगे रेड है तो मतलब बहुत ज्यादा जाम है, तो ब्लू है तो मतलब कहाँ पर देखा तुमने? कहाँ पर देखा तुमने? कैसे देखा, कैसे पता चला? मैप में। हाँ, ड्राइविंग तुम ही कर रही हो? नहीं नहीं, और अभी हम लोग पहुँचेंगे मतलब अभी हम लोग पहुँचेंगे 1 घंटे 5 मिनट में। कहाँ पहुँचेंगे? 1 horse 5 मिनट में हम लोग मॉल पहुँच जाएंगे। नम्रा ने बहुत अच्छा बताया। कितने रोड में सीख गई तुमने? इतने बगल वाले का हाथ तो है, रहमो करम। नम्रा तुमने 2 दिन में अपना मैप चलाना सीख लिया है, लोकेशन है? हाँ ये तो सीख लिया है, लेकिन वो गोल गोल चौराहा नहीं पता है कैसे गोल 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 इधर से उधर, वो भी माइंड लगाइए टीचर से। गाइस ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, और वेनिस बॉल के मॉल का ब्लॉग देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अर्शिक दुनिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा जाए उसके बीच में जाके खड़े हो जाए जाके। वो जो डायमंड वाला चौराहा है वो डायमंड वाला आदमी नहीं कर पाए, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है डायमंड वाला, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सिर्फ लाइन से बने, देखो काफी दूर तक गए हैं, दिल्ली को सजाया बहुत दिया है। देखो आगे प्रेशर डाल रहा है। नहीं नहीं इतना नहीं, अच्छा लगता दिल्ली में। अच्छा नहीं नहीं बहुत खूबसूरत लग रहा है।